नमस्कार, मैं शक्ति अरोरा आज आप सबके सामने महाराष्ट्र नासिक की रहने वाली विष्णु भक्त आसावरी के विश्वास की अविश्वसनीय कहानी लेकर आया हूँ। भारत के कई इलाकों में विष्णु भगवान को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम गोल आकार के पत्थर होते हैं जो नेपाल स्थित मुक्तनाथ गांव की गंदकी नदी में पाए जाते हैं। शालिग्राम सफेद, काले, नीले, हरे और लाल रंग के होते हैं। माना जाता है कि इनमें स्वयं भगवान विष्णु अपने चक्र के रूप में वास करते हैं। ये कहानी शालिग्राम पूजन करने वाली आसावरी की है। सगाई की अंगूठी है ना? हाँ हाँ, मेरे पास ही है। और मुग्धा ची ओटी पण भराई ची है ना? हाँ। नमस्ते, आइए आइए। भाई साहब मुबारक हो। थैंक यू। क्या लड़का चुना है आपने मुग्धा के लिए? मेरी ही कंपनी में काम करता है, बड़ा नेक, मेहनती और सीधा साधा बंदा है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, तो मुग्धा के लिए इससे अच्छा लड़का तो हो ही नहीं सकता। गणेश पूजन के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। गुरुजी हमारे पिताजी नहीं हैं। माफ कीजिए, मुझे ये पता नहीं था कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। उनका स्वर्गवास नहीं हुआ है, असल में वो हमारे पिता होने और कहलाने के लायक नहीं है। आप प्लीज विधि शुरू कीजिए। गुरुजी, सुहास मुक्ता का बड़ा भाई है, पिता के समान है, आप ये विधि सुहास से करवा लीजिए। ठीक है, बैठिए जजमा। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये नमः। तुम दोनों पर मेरे नारायण जी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलो अब सब लोग चलकर ऊपर सालिग्राम के दर्शन कर लो। सुहास, मैंने बोला सब लोग। आई पत्थरों से प्रार्थना नहीं की जाती। शालिग्राम पत्थर नहीं है, वो विष्णु का प्रतीक है। ऐसा तुम मानती हो, और शायद तुम्हारी इसी श्रद्धा की वजह से वो पत्थर हमारे घर में है। अगर मेरा बस चलता तो मैं। अरे बेटा, एक बार हाथ जोड़ ले, इतना नहीं कर सकता अपनी आई के लिए? यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ तो? भगवान से नफरत भगवान का नहीं, हमारा नुकसान करती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कुछ। आपके लिए एंगेजमेंट गिफ्ट। हर्ष, ये विष्णु मंत्र है ना? हाँ, ये आजी ने सिखाया है। अरे वाह, चलो ऊपर चलो। माधुरी, ये सब क्या चल रहा है? काय चल रहा है सगड़ा? तुम आई को समझाओ ना। हर वक्त विष्णु प्रार्थना, क्या ही है? देखो, हर्ष की खेलने कूदने की उम्र है, उसे समझाओ कि हर्ष को ऐसे फिजूल बातों में ना इन्वॉल्व करे। तुम्हें शांता बाबू को मैं बात करती हूँ ना इसे। आलेच, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। आई, ये क्या है? ये शालिग्राम है, हमारे पारंपरिक देव। सालों से ये हमारे ही घर में है, हमारे खानदान की हर पीढ़ी ने इनकी सेवा की है। हमारे घर की खुशियां इन्हीं की बदौलत है। सासु भाई, आप, मुझे नारायण से कोई शिकायत नहीं है, ना कभी होगी। मेरे हिस्से में जो आया
वो मेरा नसीब, इसमें नारायण का क्या दोष, उल्टा मुझे तो पूरा विश्वास है एक दिन इनकी लीला ही। काका प्रसाद, सो किशोर, आज से मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, किशोर भाऊजी या किशोर भाऊजी? सर, हमारा रिश्ता बदला है, दोस्ती नहीं। अच्छा, तो मेरे नाम के साथ भी जो सर जुड़ा हुआ है वो भी तुम्हें निकालना होगा, आज से सिर्फ सुहास। कोशिश करूंगा सर। I mean, मुश्किल है बट कोशिश करूंगा। अच्छा सर, एक बात पूछूं? हाँ। मैं जानता हूँ आप नास्तिक हो, लेकिन कई बार लोग अपनों के खातिर मंदिर जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अगर आप आई के खातिर आज पूजा घर में आते तो? आई की चिंता है इसीलिए तो मैं पूजा घर के अंदर नहीं जाता। जिस दिन मैं अंदर गया उस दिन वो पत्थर हमारे घर से बाहर होंगे। सॉरी सर, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो इस सवाल का जवाब देना ही था। नहीं बुआस, मुझे जाना होगा, ये गृहस्थी ये संसार ये मेरे लिए नहीं है। नारायण ने मुझे दूसरा कार्य सौंपा है, मुझे समाज की सेवा करनी है, समाज का उद्धार करना है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आई, बाबा को। नहीं बेटा, बाबा, मैं नहीं रुक सकता। तो मुझे भी साथ लेकर चलो ना। नहीं सुहास, इस रास्ते पर मुझे अकेला ही चलना पड़ेगा। बाबा, मगर तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी आई है। बाबा, आई, बाबा को रोको ना। नहीं बेटा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। बेटा, वो नहीं रुकेंगे, उन्हें रोकना अब हमारे हाथ में नहीं। अगर नारायण उन्हें हमसे दूर कर रहे हैं तो नारायण ही उन्हें हमारे पास वापस ले आएंगे। तब से उस सो कॉल्ड भगवान से मेरी नहीं जमती, जो एक बच्चे से उसके पिता को छीन ले, वो भगवान नहीं जल्लाद है। या ये सुंदर है, शर्मिला आंटी ने दिया है। अगर वही नहीं, गिफ्ट तो सारे अच्छे, पर पता है मेरा बेस्ट गिफ्ट कौन सा है? कौन सा? ये जो मुझे हर्ष ने दिया है। कितनी अजीब बात है ना, सुहास जब 8 साल का था उसने नारायण से रिश्ता तोड़ लिया, और हर्ष को तो नारायण से ऐसे जुड़ा है जैसे। सासू भाई, वो सुहास कह रहे थे कि नहीं, मतलब आप तो जानते हैं उन्हें हर्ष का ये पूजा पाठ वगैरह करना कुछ पसंद नहीं है। अगर हम हर्ष को इस सब से दूर रखें तो उससे कह दे वो कोशिश करके देख ले, नारायण से जो एक बार जुड़ जाता है ना, खुद नारायण भी उससे अपने आप से अलग नहीं कर सकते। सासु भाई, लेकिन सबकी वजह से अगर वो आपसे नाराज, सालों से नाराज है मुझसे वो, पर क्या करूं, वो अपनी जिद छोड़ता नहीं और मुझसे मेरी श्रद्धा छूट नहीं सकती। माधुरी, पता नहीं नारायण मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है, पति घर पर नहीं है और बेटा घर पर होकर भी मेरा नहीं है। सासु भाई, आप रोइए मत प्लीज। आई, तू उस मंटेस ना जो भगवान के सबसे ज्यादा करीब होते वही उनसे नाराज भी होते हैं। तू देखना, दादा की नाराजगी भी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी।
और तेरे नारायण है ना, वो सभी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देंगे। हरिका, रिश्तों के मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। एक मेरी बहू और एक मेरी बेटी, दोनों मुझे माँ बनकर समझा रही है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बनता जाता है। ऐसा ही हुआ था यहाँ। जिस तरह सुहास के पिता संन्यास लेकर उसे छोड़कर चले गए थे, आसावरी के पति भी तो गए थे, लेकिन आसावरी ने कभी नारायण को इसका दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी श्रद्धा और गहरी होती गई। और शायद इसी श्रद्धा ने आसावरी को इतनी हिम्मत दी कि वो पति के जाने के बाद अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश दे सके। जैसी परे सो सही रहे, कहीं रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, सीत घाम अव में। अर्थात जैसे ऋतु बदलते हैं वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। हमें हर परिस्थिति का धैर्य से सामना करना चाहिए। आसावरी ने यही किया। उसने ना सिर्फ अपने घर को संभाला, साथ ही साथ वो नारायण के नाम से दान पुण्य भी करती रही। बस एक ही बात का दुख था, वो सुहास के मन से नारायण के प्रति नफरत को मिटा नहीं पाई। लेकिन कहते हैं ना, आपकी एक एक दुआ उसके दरबार में जमा होती है और आखिरकार सब दुआएं मिलकर आपकी इच्छाओं को अंजाम देती हैं। शायद आसावरी के साथ भी यही होना था। ये देखिए सर, आपकी बहन पूरा मॉल उठा के लाई है। हाँ हाँ, मेरी इकलौती बहन जो ठहरी। थैंक यू दादा, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा हुआ हर्ष नहीं आया यहाँ पे, वरना वो तो शॉपिंग के मामले में अपने बुआ से दो कदम आगे है। कायदे वो आया क्यों नहीं? वो अपने आजी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा है। आई ने उसे भी, मैंने तुमसे कहा था ना? मैंने उनसे बात की थी। वो हेलो, क्या हर्ष बेटा? हर्ष क्या? माँ, माँ कैसे हुआ बताओ मुझे। वो सासू भाई बोला ना, काय झाला? काय बोल ना, काय झाला? माँ जल्दी बताओ क्या हुआ। वो बेटा, हम दोनों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, बाहर से अचानक लक्ष्मी नारायण का जय घोष सुनाई दिया। रास्ते की दूसरी तरफ से लक्ष्मी नारायण की पालकी जा रही थी। हर्ष उसे देखने के लिए दौड़ पड़ा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। जल्दी जल्दी वो रास्ता क्रॉस कर रहा था, सामने से आती हुई गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है, ज्यादा चोट नहीं आई है। चुप रहा मां, लेकिन आज हद हो गई, हद हो गई। देखो ये मेरा घर है, मैंने इसे बनाया। जो भी इस घर को तोड़ने की कोशिश करेगा मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। सुहास रुक जा, देख होश ही दिलाते हो, ये नारायण का अपमान है, अपशगुन है ये। मैं किसी भी अपशगुन से नहीं डरता हूँ। छोड़ दीजिए मंदिर, क्या कर रहे हैं आप? ये भगवान का अपमान है, नारायण का अपमान है, मत ले जा। हम यहाँ क्यों आए सर?
पकड़ो इसे हाथ में, मैं बताता हूं, चलो मेरे साथ। सर पूजा अगर जमीन में, सर ये सही नहीं है सर। अगर ये गलत है तो ये गलती मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। सर नहीं सर, मेरी मदद करो किशोर। ठीक है सर। किस्सा खत्म। आज के बाद हमारे घर में लक्ष्मी नारायण का ना तो जाप होगा और ना ही आरती। क्यों धोखा दे रही हो अपने आप को इस खाली दीवार के सामने आरती गाकर? मेरे नारायण अपने प्रहलाद के लिए खंबे में से भी प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण शरणम मम, तो क्या वो मेरे लिए इस दीवार में नहीं आएंगे? लेकिन अगर वो होंगे तो आएंगे ना। यहाँ जो कुछ भी थे वो सिर्फ काले पत्थर थे और उनका भी वजूद मैंने मिटा दिया है, जिसकी वजह से पूरे संसार का वजूद है, उसका वजूद तू क्या मिटाएगा? उनकी बदौलत हम सब हैं, वो हमारी बदौलत नहीं है। और आज तूने मेरे नारायण को मुझसे अलग कर दिया है, पर फिर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं खुश हूं। भाई, क्योंकि मैं जानती हूं नारायण की ओर तेरा सफर शुरू हो गया है। एक बात लिख ले बेटा, जिन हाथों से तूने मेरे नारायण को घर से बाहर निकाला है ना, कल उन्हीं हाथों से तू उन्हें वापस लेकर आएगा। लिख ले इस बात को तू, क्योंकि जिस घर से नारायण चले जाते हैं उस घर को लक्ष्मी भी छोड़कर चली जाती है। नहीं आई, यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। चल देखती हूँ बेटा, मेरी श्रद्धा जीतती है या तेरी नफरत। ये तो वही पत्थर है। असली है, कम से कम 5 लाख का होगा। आप कह रहे थे भाई साहब कि आपके पास ऐसी 8-10 सालिग्राम है, तो आप भाई साहब जाइए तुरंत लेकर आइए। अगर उसमें भी ऐसे हीरे निकले तो आप एक रात में करोड़पति बन जाएंगे।
लेट मी चेक। पर हाँ भाई साहब, संभाल कर लेकर जाइए। जी शुक्रिया। ये किशोर भी ना, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है। हाँ रामलाल सुनो, एक काम है। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ए जल्दी जल्दी करो रे। अरे जरा जोर लगाओ भाई। साहब इधर तो कुछ भी नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? कहां जा सकता है? गॉड, किशोर 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 दरवाजा खोलो, किशोर दरवाजा खोलो, किशोर क्यों जान आधी कर रहे हो? अरे वो ताला लगा हुआ है, दिखाई नहीं दिया क्या? वो किशोर, अरे किशोर तो ये घर और मोहल्ला छोड़ के कब का चला गया? क्या कहा? अब मालूम नहीं किधर गया, पर गया। ऐसे अचानक क्यों और कहां जा सकता है किशोर? माफ करना सर, मैं आपका विश्वासघात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं भी निकालूंगा। हर्ष आओ, मैं तुम्हें मेहंदी निकालती हूँ। श्योर किशोर को शालीग्राम के हीरों के बारे में पता चल चुका होगा, इसीलिए वो पूजा कर लेके भाग गया है। कितनी अच्छी मेहंदी लगी है, इस बात पे तो पति का नाम लेना बनता है ना। प्लीज एक उखाना गिना प्लीज। आज हमने ना ट्रायल के लिए मेहंदी लगाई है, कैसी लग रही है? ये शादी नहीं होगी माँ। क्यों? क्योंकि मैं एक चोर और धोखेबाज इंसान से अपनी बहन की शादी नहीं करा सकता। नहीं दादा, आई डोंट बिलीव दिस। किशोर इज अ नाइस गाय, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो ऐसा ही है, लालच मुग्धा लालच। लालच अच्छे से अच्छे इंसान की सोच को खत्म कर देती है। बंद करो ये तैयारियां, ये शादी नहीं हो सकती। दादा ये शादी होगी, मेरा किशोर पर पूरा भरोसा है। हिम्मत कर मुग्धा, तुम्हारे लिए मैं अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ लाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई अच्छा लड़का। दादा प्लीज अंडरस्टैंड, दादा आई लव किशोर। हम सबको भी मार कर तू अपनी कसर पूरी कर ले। एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है तू। पूछता नहीं है, जानता नहीं है,
सही गलत कुछ परखता नहीं है, बस नतीजे तक पहुंच जाता है। मैं सही हूँ या गलत इसका पता चल ही जाएगा माँ। देवा एक बार मुझे किशोर तक तो पहुंच जाने दो। और आप भी कहती है ना कि जिस घर से नारायण चला जाता है उस घर में लक्ष्मी भी नहीं रहती। आज मैं साबित करके दिखाऊंगा कि नारायण के जाने के बाद ही लक्ष्मी घर में आती है। सासु भाई हेलो अविनाश। हाँ किशोर को जानते हो तुम, उसी के बारे में काम है। हाँ तुम अपने सारे सोर्सेस को काम पे लगाओ। हेलो। हाँ मुझे पता है आज प्रेजेंटेशन है, मैं ऑफिस आ रहा हूं जी। गॉड माधुरी इन डायमंड्स के चक्कर में ऑफिस जाना भूल ही गया। मुझे आज ऑफिस जाना होगा वरना वो जोशी कुछ ना कुछ कांड करके ही रहेगा। वैसे भी वो बॉस की नजरों में मुझे गिराना चाहता है। मैं चलता हूं। देवा नारायणा माफ कर देना इसे। आप कह रहे थे भाई साहब कि आपके पास ऐसी 8-10 सालीग्राम है, तुरंत लेकर आइए। अगर उसमें भी ऐसे हीरे निकले तो आप एक रात में करोड़पति बन जाएंगे। साहब इधर तो कुछ भी नहीं है। अरे किशोर तो ये घर और मोहल्ला छोड़कर कब का चला गया। बस बस बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं वो प्रेजेंटेशन चाहिए। कहाँ है? क्लाइंट आकर मेरे सर पर बैठ गया है, अब उन्हें क्या दिखाएंगे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, पता नहीं कैसे। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता। एक्चुअली यू आर गुड फॉर नथिंग। बेवकूफ तो मैं ही था सुहास, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी। जोशी आज से नए प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करोगे, 2 घंटे के अंदर मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करके दो। सर सर प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सर, इस प्रोजेक्ट में मैंने 3 साल काम किया हुआ है सर, प्लीज आप मेरा फ्यूचर का तो ख्याल रखिए सर। नहीं सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ऑफिस से बाहर निकलो, फ्यूचर का ख्याल रखिए सर। ओहो मुझे तुम्हारे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, मुझे अपना देखना तुम्हारा देखना। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप मेरी बात नहीं सुन रही हो। नहीं आप मेरा फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकते, मैंने मेहनत की। अरे छोड़ो यार, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। और फिर वही हुआ जो हो सकता था, बॉस पर हाथ उठाने के जुर्म में पुलिस कंप्लेंट और सुहास की गिरफ्तारी। कबीर कहा गर्भियों काल गहे कर केस, न जाने कहां मारे सी कई घर कई परदेश। संत कवि कबीर कहते हैं हे मानव तू क्या गर्व करता है, काल मतलब वक्त अपने हाथ में तेरे केस पकड़े हुए हैं, पता नहीं वो कहां किस वक्त तुझे मार डाले। एक रात में चीजों का तहस नहस हो जाना क्या होता है सुहास उसका अनुभव कर रहा था। मुग्धा माधुरी और आसावरी ने उसकी जमानत तो करा दी लेकिन उसके बाद सब कुछ जैसे बिगड़ता ही चला गया।
माधुरी, अब तो मुझे खुद पर ही शक होने लगा है। क्या मैं किसी काम के काबिल हूं या नहीं? कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। माजा एकता का देखिए, हालात अभी भी सुधर सकते हैं। अब बस वो पूजा घर अगर मुश्किलें तो किशोर की नियत बदल जाने से हुई है। पहले उससे तो निपट लो। हेलो अविनाश, किशोर का कुछ पता चला? अरे ढूंढो उसे, उसके दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी किसी को तो पता होगा वो कहां चला गया है। ढूंढो। अब पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ चुका था। सुहास की काफी बदनामी हुई थी, रेपुटेशन खत्म हुआ। कंपनी ने पुलिस रिकॉर्ड दिखाकर लोन्स के लिए दी हुई बैंक गारंटी विड्रॉ कर ली थी। बैंक लोन रीपेमेंट के लिए पीछे पड़ गई थी। सुहास उन्हें जैसे तैसे हैंडल कर रहा था। सुनिए, आज ये घर का सामान ले जा रहे हैं। कल अगर ये घर जब्त कर लिया तो कहाँ जाएंगे हम? सुहास, अब तो अपनी जिद छोड़ दे, मान ले कि आई बस करो। एक बात तो मैं भूल ही गया था, 5 लाख का एक हीरा अब भी है मेरे पास। हाँ, उसे बेचकर लोन का कुछ हिस्सा तो मैं क्लियर कर ही सकता हूं, है ना मां? कुछ हिस्सा तो क्लियर कर सकता हूं। अब सुहास के सामने इन हालातों से बचने का एक ही जरिया था, हाँ, वो हीरा। लेकिन जब वक्त भारी होता है कोई सहारा नहीं बचता। कौन? कौन है? अरे क्या हुआ? मेरा हीरा था माधुरी, 5 लाख का था वो, अब नहीं है। अरे यही कहीं होगा, देखो तो। अरे मेरा 5 लाख का हीरा चोरी हो गया। आप शांत हो जाइए। मेरा 5 लाख का हीरा चोरी हो गया। संभालो। मेरा 5 लाख का हीरा चोरी हो गया माधुरी, चोरी हो गया। आज 5 दिन हो गए इसी एरिया में घूम रहा हूँ गोल गोल, अविनाश के लोगों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। पता नहीं मंजिल तक पहुंच पाऊंगे या नहीं। जी पूजा, मिला क्या? अरे यार, किशोर का अता पता नहीं चल रहा है। सुहास सर का ना बार बार फोन आ रहा है, देखा तो इसी एरिया में था यार, पता नहीं कहाँ चला गया ये किशोर का बच्चा। ये रहा। कहाँ गया यार? तो था यही। अरे तुम दोनों इधर देखो, ये निकल। हाँ। चला जा। नारायण, अब बस बहुत हो गई तेरी परीक्षा।
मैं जानती हूँ ये सब तेरी लीला है, ये सब तू करवा रहा है, पर अब मेरी सहने की ताकत खत्म सी होती जा रही है और मैं अपने घर को बिखरते हुए नहीं देख पाऊंगी। नारायण आप मेरे सुहास को सद्बुद्धि दो। आप पूजा कर वापस ले आइए बाबा, माफी मांगे नारायण से, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी पहुंचता हूं, मैं अभी पहुंचता हूं। हाँ मां, अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा नारायण भी नहीं, क्योंकि किशोर का पता मिल गया है। मेरा नारायण क्या कर सकता है, ये तूने अभी देखा ही कहां है। वजह चाहे जो भी हो, पर आज तू खुद चलकर नारायण के पास जा रहा है, देखना वो तेरे मन के बंद दरवाजे को जरूर खोलेगा। गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी, मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन ये आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था, जो मैंने पूरा कर दिया है। आप अब इसे संभालिए। कहाँ है किशोर? तुमने मेरा विश्वासघात किया, मेरा। सर, मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कराना चाहता था और तुमने मेरा ही विश्वासघात किया। मेरा विश्वासघात किया। शालिग्राम कहाँ है बता मुझे, कहाँ है वो हीरे, हीरे कहाँ है बता। सर कौन से हीरे, मैं तो वो ज्यादा चालाक मत बन, हीरे कहाँ है बता मुझे। दादा जी बात तो सुन लो, क्या बोल रहे दादा? आई आप बीच में मत आओ, शालिग्राम चाहिए, कहाँ है वो हीरे। असावरी, असल में मैंने उस वक्त झूठ बोला था, नारायण ने मुझे कोई कार्य नहीं सौंपा था, मैं जिम्मेदारी से डर गया था, भागना चाहता था उन मुश्किलों से, इसलिए मैंने नारायण के नाम का सहारा लिया। मगर जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, घर छोड़कर, अपने रिश्ते छोड़कर ऐसे लगा मेरी जिंदगी पीछे छूट गई हो। मैं वापस आया मगर तब तक तुम लोग घर छोड़कर जा चुके थे, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर कहीं नहीं मिले, फिर आकर मैंने नारायण के चरणों में शरण ली, सोचा वही अब तुम्हें मिलवाएंगे, और देखो वही हुआ, नारायण अपनों को अपनों से मिलाता है, कभी दूर नहीं करता। ये नारायण की ही लीला थी जो किशोर पूजा घर लेकर उस मंदिर में पहुंचा। लेकिन किशोर, तुम ये शालिग्राम मेरे पास कैसे ले आए, तुम तो मुझे जानते तक नहीं थे। उस दिन सुहास और मैंने पूजा घर को जमीन में गाड़ दिया, फिर मैं अपने घर जाकर सो गया। तुम मुझे इस तरह जमीन में गाड़ नहीं सकते, मेरा तुम्हारे हाथ में आना एक लीला है, उसके पीछे एक वजह है, निकालो मुझे वहां से और आनंद नगर के नारायण मंदिर में एक साधु है, वहां उनके पास पहुंचा दो। मैं डर गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, कहीं ना कहीं लग रहा था
नारायण जी के आदेश का पालन करना पड़ेगा। तुझे अभी भी लगता है नारायण नहीं है, ये शालीग्राम बस पत्थर है? पूजा घर घर से बाहर निकालना, एक शालीग्राम का फूटना, उसमें से हीरा निकलना, फिर से पूजा घर तक पहुंचने की तेरी कोशिश, और अंत में तेरे बाबा का मिलना। मुझे क्या लगता है ये सब क्या है? सुहास, तू सोच भी नहीं सकता कि नारायण कितने दयालु है। मैंने इनके नाम का गलत इस्तेमाल किया, तुमने इतनी नफरत की उनसे, फिर भी उन्होंने हमें एक दूसरे से मिलवाया। पता है क्यों? तेरी आई की नारायण भक्ति और कर्तव्य पूर्ति की वजह से तेरे आई के विश्वास की आज जीत हुई है। तन को जोगी सब करे, मन का बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र पहनना आसान है, पर मन को योगी बनाना बहुत कठिन है। वैराग्य जिम्मेदारियों से भागने का नहीं, आत्मा को जीतने का नाम है। और यही बात सुहास के बाबा ने उसे समझाई, अपनी गलती मानी और सुहास को उसकी गलती का एहसास दिलाया। अब सुहास के लिए शालीग्राम केवल पत्थर नहीं थे, ना ही 10 हीरो को बेचकर उसे उतनी खुशी मिल पाती जो उसे नारायण ने आज दी थी। आखिर आसावरी की बात सच हुई, सुहास ने खुद अपने हाथों से घर में शालीग्राम की स्थापना की। जैसे ही उसने अपनी गलती सुधारी, उसकी जिंदगी भी सवरने लगी। जोशी का किया हुआ कांड सबके सामने आ गया। बॉस ने खुद आकर सुहास से माफी मांगी। सुहास की नौकरी उसे वापस मिल गई। मुग्धा और किशोर की शादी हुई। आसावरी ने अपने पति के साथ मिलकर उसका कन्यादान किया। नारायण की कृपा से आसावरी की जिंदगी में अब खुशियां खुशियां थी। तो अगर आपके पास भी आसावरी जैसा कोई अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। अब मैं शक्ति अरोरा आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विश्वास की एक और अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक आप अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहिए, मुश्किलों से भागे नहीं, उनका डट कर सामना कीजिए। अपने कर्म और धर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता, पर फर्क बहुत पड़ता है। नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।